हाय एवरीवन, मैं हूँ सोनल और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिस क्लेयर की वाटरप्रूफ आईब्रो पेंसिल का रिव्यू वीडियो। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसी दिखती है और ये दो शेड में अवेलेबल है, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक। तो आप अपनी आईब्रोज के हेयर के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं, बट मेरे ओपिनियन में जो डार्क ब्राउन होता है या ब्राउन या फिर ग्रे कलर जो होते हैं वो इंडियन स्किन टोन के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर ओवर हो जाता है, जिससे किसी को भी पता चल जाएगा कि आपने अपनी आईब्रोज को फिल इन किया है या उसमें कलर ऐड किया है। तो अगर आप डार्क ब्राउन लेते हैं या फिर ग्रे कलर लेते हैं तो 99% लोगों के लिए यही कलर ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने भी अपने लिए डार्क ब्राउन कलर बाय किया है। इसका प्राइस 65 रुपीज़ है और आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो पैकेजिंग पे मेंशन की गई हैं, जो कि अच्छी बात है, जिसमें आपको 65 रुपीज़ में 1.4 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। और इसके साथ आपको एक यहाँ पे एक ब्रश भी दिया जाता है, जिससे आप अपने आईब्रोज को कॉम्ब आउट भी कर सकते हैं। और ये देखिए, काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है ये पेंसिल, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बारिश में भीग भी जाते हैं तो आपकी आईब्रोज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी या फिर उन्हें कोई भी हार्म नहीं होगा, वो जैसे कि तैसी ही रहेंगी। अब बात करते हैं सबसे पहले बिगनर्स की, क्योंकि बिगनर के साथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो अपनी आईब्रोज को फिल इन करते हैं तो या तो पता चलने लगता है या फिर वो अच्छे से फिल इन ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहली बात, या तो आप किसी पाउडर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आईब्रो फिलिंग के लिए बहुत सारे पाउडर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मिस क्लेयर की ही आईब्रो किट आती है, बट वो थोड़ी सी महंगी आती है, इसलिए मैंने उसे बाय नहीं किया है, क्योंकि मैंने भी अभी मेकअप स्टार्ट ही किया है। मेकअप में मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ, इसलिए स्टार्टिंग के लिए ऐसे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं जिनमें आप ईजिली वर्क कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई आई शेडो पैलेट है और उसमें डार्क ब्राउन मैट कलर, डार्क ब्राउन या फिर ग्रे कलर है, तो आप उससे भी अपनी आईब्रोज को फिल इन कर सकते हैं। जब भी आप अपनी आईब्रोज को फिल इन करें तो उसके बाद उसे एक ब्रश की हेल्प से, एंगुलर ब्रश की हेल्प से अगर आप उसे स्मच कर देंगे तो वो बिल्कुल नेचुरल दिखेंगी और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपनी आईब्रोज पे कुछ भी कोई प्रोडक्ट अप्लाई किया हुआ है, बट आपकी आईब्रोज आपके फेस को पॉप अप करती हैं। जब भी आप अपनी आईब्रोज को फिल इन करते हैं तो उससे आपका चेहरा थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है और फुलर हो जाता है। तो आईब्रो यूज़ करना, आईब्रो किट यूज़ करना या फिर पेंसिल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बट मेरी आईब्रोज थोड़ी सी ठीक हैं इसलिए मैं ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। बट कभी कभी आपको हर प्रोडक्ट ट्राई करना होता है या आपके पास हर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं ऑनलाइन, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।